हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे एमएस एक्सेल के अंदर इंस्पेक्ट वर्कबुक क्या होती है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, चेक कंपैटिबिलिटी क्या होता है, चेक एक्सेसिबिलिटी क्या होता है। वैसे तो हम लास्ट वीडियो में आपको एमएस एक्सेल का कंप्लीट कोर्स करा चुके हैं। यदि आपने एमएस एक्सेल के कंप्लीट ऑप्शन के बारे में जानकारी लेनी है यानी कंप्लीट कोर्स सीखना है तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको वन बाय वन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंस्पेक्ट वर्कबुक क्या होता है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, चेक कंपैटिबिलिटी क्या होता है और चेक एक्सेसिबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंस्पेक्ट वर्कबुक और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है। देखो, अगर आप अपने किसी वर्क को इंस्पेक्ट कराना चाहते हो यानी उसको चेक करना चाहते हो, लाइक एज जैसे हमारे पास एक वर्क है, ये आपके पास कुछ हो सकता है, पहले आप अपना एक वर्क तैयार कर लें। जैसे आपका कोई वर्क तैयार हो जाता है और उस वर्क में आपने कुछ चेक करना है, जैसे क्या चेक करना होता है और कौन कौन से ऑप्शन को ओके करना है, वो सभी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में आपने इस वीडियो को इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है। तो इंस्पेक्ट करने के लिए आप आएंगे फाइल में, दोबारा से फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है चेक फॉर इशू। चेक फॉर इशू में आप यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो, सॉरी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, चेक फॉर इशू पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं आपको, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एक्सेसिबिलिटी और चेक कंपैटिबिलिटी। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में देखो, अगर आपके आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट्स जो हैं वो हाइड हैं या आप ये चेक करना चाहते हो कि मेरे वर्कबुक में या मेरी सीट में क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या नहीं लगा हुआ है, तो आपको इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में उसकी जानकारी मिल सकती है। कैसे, हम आपको बताते हैं। तो आपने इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, डू यू वॉन्ट टू चेक के लिए कह रहा, आपने यस करना है इस चीज़ को। जैसे आप यहाँ पर ओके करोगे एक विंडो खुलेगी इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट की। देखो यहाँ पर ये पूछ रहा आपसे कि आपने कमेंट चेक करने हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी चेक करनी है, हेडर फुटर चेक करने हैं, क्या कौन सी चीज़ आपको चेक करनी है, उस पर आप क्लिक कर दोगे। और जो चीज़ आपका, मान लो कि डाटा जो मॉड्यूल है इस पर अनचेक है तो आप इसको चेक कर लोगे या जो जो आपको रिक्वायर्ड है उसको चेक करके आप इंस्पेक्ट करोगे। तो जैसे आप इस पर इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट आएगा। अभी ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इशू कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर सभी जो है नो आइटम फाइंड, नो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फाउंड, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। तो ये इसका यूज़ क्या होता है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का, मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई कमेंट लगा दिया, मैंने यहाँ पर एक कमेंट लगा दिया या हेडर फूटर लगा दिया, हमने यहाँ पर कमेंट लगा दिया, ये मान लो एक कमेंट लगा दिया है, या आपने हेडर फूटर लगा दिया है कहीं पर, ठीक है, और आप हेडर फूटर लगाना चाहो तो लगा लेना, यानी जो भी आपने अलग अलग अपने टाइप से कुछ लगा रखा है तो आप लगा सकते हो। तो लाइक आज मैंने अभी क्या लगाया था, कमेंट लगाया था, तो कमेंट लगाया था तो इसको ही चेक करके दिखा देता हूँ कि कैसे, सॉरी हमारा वर्क कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पर हमने एक कमेंट लगाया था, तो हम आते हैं फाइल में और अब इसको दोबारा से इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के लिए इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू यस, और यहाँ पर हम करते हैं अब इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर हमने एक कमेंट लगाया था, उसको कह रहा है कमेंट फाउंड, क्या है, एक आइटम जो है फाउंड हो गया जो कि कमेंट के नाम से है, यानी जो भी आपने हेडर फुटर सिंबल कोई पाइवट टेबल पाइवट चार फॉर्मूला कुछ भी आपने लगा रखा होगा तो वो सारे यहाँ पर आपको दिखा देगा। और यदि उन चीज़ों को आप एरर सॉरी रिमूव करना चाहते हो, अब जैसे अब यहाँ पर भी कमेंट हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं पर भी कमेंट हो सकता है, तो सारे कमेंट यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगे या जितने भी आपने फॉर्मूलाज या पाइवट टेबल लगाई होगी वो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगे। तो उन सभी को आपने हटाना है, जैसे कि मुझे अब कमेंट जो है इस एक्सेल की शीट में नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, रिमूव आल पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पर। तो रिमूव आल पे क्लिक करने से क्या होगा कि जितने भी कमेंट हमारी सीट में फाउंड किए थे अभी इंस्पेक्ट करने से, वो सारे जो है रिमूव हो जाएंगे। देखो पीछे से रिमूव भी हो गया होगा, दोबारा हम रीइंस्पेक्ट करते हैं, रीइंस्पेक्ट करेंगे तो अब कोई भी जो है एरर फाउंड नहीं होगा या कोई भी आइटम जो है वो फाउंड नहीं होगी। देखो कमेंट में क्या आ रहा है कि नो आइटम वर फाउंड। तो ये होता है इंस्पेक्ट, यानी आप अपने वर्क को चेक कर सकते हो कि मेरे वर्क के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या नहीं लगा हुआ है। यदि आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो इंस्पेक्ट में जाके सभी वर्क को रिमूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
चेक फॉर इशू के अंदर ही है। यहाँ पर नेक्स्ट है चेक एक्सेसिबिलिटी। अब ये क्या होता है चेक एक्सेसिबिलिटी, कुछ लोगों को अभी तक इसके बारे में पूर्ण नॉलेज नहीं हुई है कि चेक एक्सेसिबिलिटी सॉरी हाँ चेक। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चेक एक्सेसिबिलिटी, इसका यूज़ आपके प्रोग्राम को आपकी सीट के अंदर जो भी एरर होते हैं उनको फाउंड करने के लिए होता है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए एक नई सीट लेंगे और पहले यहाँ से कुछ वर्क में कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये वर्क कॉपी कर लिया कॉपी, और एक सीट नई ले लेते हैं, नई फाइल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे ये है यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं उसको विदाउट फॉर्मेटिंग में। तो यहाँ पर ये हमारा वर्क है और हमने चेक एक्सेसिबिलिटी को चेक करना है। तो चेक एक्सेसिबिलिटी पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर फाइल में आके, तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में अभी कोई एरर नहीं शो हो रहा है। ठीक है, अभी एरर क्या होता है, कैसे इसको दिखाया जाता है। वैसे तो यहाँ पर एक वार्निंग रीनाम के लिए दी गई है कि आप अपने इस सीट को रीनेम करें, तो अगर आप इसको रीनेम करते हो तो ये वाला एरर भी यहाँ से हट जाएगा। तो रीनेम पे जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपने इसको रीनेम कर दिया डाटा। ठीक है, तो ये एक वार्निंग आई हुई थी। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, तो एक्सेसिबिलिटी पे जैसे हम क्लिक करें तो यहाँ पर क्या है, नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड। दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इशू पे गए, चेक एक्सेसिबिलिटी पे गए, तो यहाँ पर क्या है, नो इशू फाउंड। पहले आया हुआ था एक जिसमें सीट रीनेम का आया हुआ था, तो सीट को हमने रीनेम कर दिया। अब देखो यहाँ पर और कौन कौन से एरर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक एज आपने कोई शेप इंसर्ट कर रखी है, यहाँ पर आपने अपने सीट के अंदर कोई शेप या कोई चार्ट कुछ इस टाइप का आपने इंसर्ट किया हुआ है, तो वो कैसे इंसर्ट होगा या उसके लिए कौन से एरर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जैसे ये एक शेप आपने इंसर्ट कर ली और एक दो शेप और ले लेते हैं, एक शेप आपने ये इंसर्ट कर ली। ठीक है, और अगर आप ध्यान दे रहे हो कि एक्सेसिबिलिटी में दो एरर फाउंड हो गए हैं, यहाँ पर एरर फाउंड हो गया, मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ, आपने कोई भी शेप या कोई भी पिक्चर आपने इंसर्ट कर लेनी है और चेक एक्सेसिबिलिटी पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके एरर जो है शो हो रहा है, लिखा हुआ है मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने शेप इंसर्ट की हुई है इनको आपने पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट नहीं दिया है, या तो आप इनका डिस्क्रिप्शन ऐड करो यहाँ पर, या आप इसे मार्क एज डेकोरेटिव पे क्लिक करो। ठीक है, दोनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। यानी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक आपका नाम आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप कोई नाम दे सकते हो, 1 2 3 कुछ भी आपने देना है, आपने ये दे दिया। और मार्क एज डेकोरेटिव पे क्लिक करना है तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपने इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि दो इशू थे और एक इशू जो है सोल्व हो चुका है, अभी सिर्फ टीयर ड्रॉप का इशू फाउंड है। ठीक है, तो मैंने इसको मार्क यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया था, इसकी डिस्क्रिप्शन पे इसका नाम दे दिया हमने और दूसरे का अभी तक हमने नहीं दिया है। तो अगर आप नाम नहीं देना चाहते, डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहते, तो आप यहाँ पर इस प्रकार टीयर ड्रॉप जैसे मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मार्क एज डेकोरेटिव पे क्लिक भी कर सकते हो। तो या तो आप डिस्क्रिप्शन दो या आप डेकोरेटिव पे क्लिक करो तो भी आपके इशू जो हैं वो सोल्व हो जाएंगे। ये देखो दोबारा से हम आपको चेक करा के दिखाते हैं। तो यहाँ पर चेक एक्सेसिबिलिटी और यहाँ पर अभी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी फाइल के इशू चेक कर सकते हो चेक एक्सेसिबिलिटी के द्वारा। अब नेक्स्ट है सपोज करो हम इसको इस फाइल को सेव करते हैं किसी भी नाम से, हम पहले सेव कर देते हैं इसको डेस्कटॉप, सॉरी हमने डाटा वन के नाम से इसको सेव कर दिया। अब ये सेव तो कर दी है फाइल, अब ये जो वर्जन है हमारे पास 2019 है, लेकिन जो ये फाइल है अगर कल को किसी दूसरे वर्जन में आपको ओपन करनी पड़ जाती है, क्या उसमें ये ओपन होगी लाइक एज 2017 या 10 या 16 13 इनमें आपको यदि ये ओपन करनी पड़ जाती है, क्या उनके लिए ये कंपैटिबल है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपैटिबिलिटी इसकी चेक करेंगे। कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद चेक फॉर इशू पे क्लिक करेंगे, चेक कंपैटिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्या है, नो कंपैटिबिलिटी वर फाउंड, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। यदि अगर इसमें इशू होता तो आपका यहाँ पर बता देता कि ये जो फाइल है किस में ओपन होगी, किस में नहीं ओपन होगी, ठीक है। अब ये जो फाइल है सब में ओपन होगी, इसमें कोई भी आपकी इशू नहीं आ रहा है, कोई भी आपका यानी नो कंपैटिबिलिटी इशू फाउंड, यानी सबके अंदर ये कंपैटिबल है, सबके अंदर ये ओपन हो सकती है, सबके अंदर एक्सेस हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हम कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं अपने वर्क की। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दूसरी शीट दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम इस शीट की कंपैटिबिलिटी चेक करें तो यहाँ पर इस प्रकार, अगर आपने कंपैटिबिलिटी कल को चेंज भी करनी पड़ जाती है, तो जैसे कि हमने इस शीट की पहले से ही चेंज की हुई है, तो चेक कंपैटिबिलिटी पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे इशू आ जाएंगे आपके यहाँ पर देखो, क्योंकि ये जो फाइल है ये सिर्फ 2000 जो है यहाँ पर लिखा हुआ 97 और 3 के अंदर जो है ओपन नहीं होगी। अगर आपने इनको सोल्व करना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस पर टिक मार्क कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जिस जिस में आपने ओपन करानी है, देखो अब जैसे 10 में ओपन करानी है तो 10 पे क्लिक कर दोगे, 7 में ओपन करानी है तो 7 पे, या 97 व 3 में भी करानी है तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो कंपैटिबिलिटी जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो इसके अंदर इशू आ रहा है, ठीक है। यानी ये वाली फाइल जो है आपकी 97 और 2003 सॉरी हाँ 2003 के अंदर जो है आपकी ओपन नहीं होगी, बाकी सभी के अंदर ये ओपन हो सकती है, बाकी किसी के अंदर इसका एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपनी फाइल का इंस्पेक्ट कर सकते हो, यहाँ से एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हो और कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।